आप देखो ध्यान से कितनी ज्यादा सुंदर डिजाइन। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज हम बहुत ढेर सारा अपना पिटारा लेके बैठे हैं। एक्चुअल मुझे मेरी पायल टूट गई थी, तो मुझे अपनी पायल चेंज करनी थी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा पहनते पहनते भी बोर हो जाता है, तो फिर उसे लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ चेंज कर दिया जाए। तो और बहुत दिन से आप देख रहे होंगे कि जब से हम लगता है सोशल मीडिया ज्वाइन किए, हमको लगता है मैं सोना ही पहनना बंद करती हूँ। तो गले में भी ज़्यादातर चेंज करना रहता है, तो मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ। और जैसे कि ये वाला पैंडल भी आप देख रहे होंगे, पास से दिखा दो थोड़ा सा। आप देख रहे हैं ये भी मुझे इंस्टाग्राम से आता है, तो ये सिल्वर का ही है। तो और मतलब डेली बदलना रहता है। तब से पता नहीं कैसे यार हो गया ना, गोल्ड और पहनना खत्म ही हो गया है, क्योंकि लगता है कि अब डेली पहनना डेली उतारना है तो खत्म हो गया है। तो जो भी शौक रहती है वो थोड़ा बहुत पायल में और बिछियों में ही निकलती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मुझे बिछिया और पायल पहनने का शौक भी है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। कलेक्शन बटोरना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ मेरे पास अभी हम ऐसे ही निकाल के चेंज करने वाले थे, और खास तौर से मैं बिछिया अपनी बदलने वाली थी अपनी, कि मैंने इस समय मैं बहुत छोटी छोटी बिछिया पहन रखी हूँ, क्योंकि बीच में मतलब मुझे गाड़ी ड्राइव करनी रहती थी, जैसे फोर व्हीलर था, तो तभी से उतार रखी थी। मतलब ये रहता ना, गाड़ी अगर आप ड्राइव करोगे ना तो शूज़ पहन के हम ड्राइव करते, ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव रहता, तो उसमें बिछिया बड़ी पहनो ना तो गड़ता है। तब से बिछिया भी उतार लिया था, मतलब बहुत छोटी छोटी, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसी मैंने छोटी छोटी डाल रखी थी। और ये वाला पायल तो आपने देखा ही है, ये हमेशा मेरे पैर में रहता है, और इस तरह से छोटी बिछिया डाल रखी थी, तो जैसे कि गाड़ी ड्राइव करना हो तो मतलब दिक्कत ना हो। तो मतलब हैबिट हो चुकी है, क्योंकि फोर व्हीलर ड्राइव करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्कूटी में तो कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे जैसे ड्राइव कर लो। तो अब सोच रहे हैं ना कि थोड़ी बड़ी बिछिया पहन ले, इस समय सावन भी है और तीज उज भी आ रही है, तो मुझे बड़ी बिछियों का बड़ा मतलब क्रेज़ है। तो बात ज़्यादा नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये है कि आज आप लोगों को हम बिछिया कलेक्शन दिखाने वाले हैं, कि मेरे पास कितनी डिज़ाइन की बिछियाँ हैं। मैं आपको बता दूँ, कुछ तो है मेरे पास, लेटेस्ट भी हैं और कुछ मेरे पास पहले की हैं। मतलब पहले की मतलब क्या, मेरी शादी में भी चढ़ी थी, कभी कोई गिफ्ट कर गया, तो कुछ है। तो जो डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती वो नहीं पहनती हूँ, मगर ये भी नहीं कि मैं उसको बेच दूँ या बदल दूँ। मेरा नहीं अच्छी लगती तो मैं रख देती हूँ, मैं अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं नया खरीद के लेके आती हूँ। तो चलो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हूँ। तो फाइनली गाइस, हम अपना पहला कलेक्शन दिखाते हैं आपको, कि मेरे पास पिछिया का कैसे कलेक्शन है। इग्नोर करिएगा कुछ चीज़ें, मतलब मुझे मेरी पहले की भी रखी हैं, तो मैं सब कुछ दिखा रही हूँ मेरे पास पिछिया का क्या क्या कलेक्शन है। तो पहले बड़ी से दिखाऊँ कि छोटे से? पहले बड़ी से दिखाऊँ। चलो मैं दिखाती हूँ। तो मेरे पास सबसे पहली डिज़ाइन जो बिछिया की है वो आपको, ये सबसे बड़ी नहीं है, बहरहाल ये देखिए सबसे पहली डिज़ाइन ये है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं फिरोजी कलर, और ये रेड कलर में मीनार लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, मुझे कलर्डफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मतलब कलर्डफुल कोई भी ज्वेलरी कलर्डफुल रहती है तो बहुत अच्छी लगती है। मैं एकदम प्लेन बिछिया नहीं पहनना पसंद करती हूँ। तो ये मेरा पहला कलेक्शन है। कैसा लग रहा आप बताइए? ये जो पैर में एक एक डलती है ना, तो बहुत प्यारा लगता है। तो बहुत प्यारी बिछिया है, आप डिज़ाइन पास से देखना। और फिर आपको मैं सेकेंड दिखाती हूँ, ये काफ़ी हैवी साइज़ का है, और मैं आपको दिखाती हूँ इसको सामने से। ये वाली बिछिया आप देखना, इसके डिज़ाइन आप देखो, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, एकदम मल्टी कलर की, और इस तरह से फ्लावर बना हुआ, और किनारे वाइट कलर का नग है। तो इतनी प्यारी लगती है ये बिछिया कि मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब मैं हर बिछिया को थोड़ा पहन के रखी हूँ। मतलब ये मैंने दो दिन के लिए खाली पहना था, और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, पर मुझे कभी कभी कम्फर्ट नहीं लगता तो मैं उतार देती हूँ। तो ये मेरी सेकेंड बिछिया है। इस वाली बिछिया को जो इसके पहले दिखाया था, मतलब जो ये वाली बिछिया दिखाई थी आपको, इसको तो मैंने कम से कम 2-3 महीने पहना, फिर उसके बाद जब मैं पोर हो गई तब मैंने उठा के इसको रख दिया था। तो बहुत प्यारी बिछिया है। तो आपको दो कलेक्शन तो दिखा दिया बिछिया का, ये दो हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब जो बिछिया दिखाने वाली हूँ, ये ना मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है, और मैं सोच ही रही थी कि इसको पहनने के लिए। उसके बाद मैं आपको जो डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ, देखो मल्टी दिखा दिया और फिरोजी में दिखा दिया, अब मैं आपको पर्पल कलर की बिछिया दिखा रही हूँ। ये पूरे पर्पल स्टोन पे है, और इसमें एक बीच में ऐसी मल्टी टाइप का मतलब वो करता है, और ये पर्पल कलर में ना इतनी प्यारी लगती है। आपको मैं बताऊँ, ये पैर में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर आप इस टाइप की बिछिया भी अगर अपने पैर पर डालोगे ना, आपका पैर ऑटोमेटिक ही सुंदर लगेगा। मतलब वाकई इस टाइप की डिज़ाइन ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और मुझे ऐसे डिज़ाइनें बहुत ज़्यादा पसंद। और देख सकते हैं इस तरह से स्टोन में है। ये मेरे पास चार हैं, मतलब ये ना बड़ी साइज है ना छोटी साइज है, तो बहुत प्यारी लगती है। तो अगर आप इस टाइप की डिजाइन अगर अपने पैर पे डालते हो ना, तो बहुत प्यारा लगेगा, सच बता रहे हैं आपको। तो ये मेरी तीन बिछिया का कलेक्शन है, तीन हो गए डिजाइन। अब मैं आपको फिर से दिखाने जा रही हूँ, मैं मल्टी कलर बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ पत्ती जैसा बना हुआ है, और देख सकते हैं बीच में आप बारीकी से देखिए कितनी अच्छे से पिरोया हुआ है डिज़ाइन।
और आपको कैसी लग रही है डिज़ाइन आप बताइएगा ज़रूर। बहुत प्यारी लगती है यार, बहुत प्यारी। इसको तो आपको दो पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने एक पहन लिया ना तो आपने समझ लो बहुत सुंदर पहन लिया। तो ये मेरा है चौथे डिज़ाइन और मैंने जो आपको दिखाई है बहुत प्यारी डिज़ाइन है, बहुत मेरी ये भी मेरी बहुत फेवरेट डिज़ाइन है। एक्चुअली मुझे जो जो पसंद आता है ना, मैं जब भी जाती हूँ अगर मुझे बिछिया अच्छी लगती है क्यों ना, मुझे कुछ और भी लेने जाती हूँ अगर मुझे बिछिया पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ। तो बताइएगा ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी और कौन से नंबर वाली बिछिया सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये जरूर बताइएगा। अब मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ ये थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप की बिछिया है, इसको भी हम मल्टी कह सकते हैं। मैं येलो और फिरोजी टच में है और बीच में मल्टी कलर का कलर है और ये ट्रेडिशनल पूरी तरीके से ट्रेडिशनल टाइप की बिछिया है। और आप देखोगे बहुत लोगों को, मतलब मैं बहुत डिज़ाइन रखी बिछिया की यार, बहुत प्यारी लगती, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप करीब से देखो डिज़ाइन, एकदम डिज़ाइन आप करीब से देखोगे ना बहुत प्यारी है। इस तरह से फ्लावर फ्लावर जैसा है और इसका डिज़ाइन देखिए येलो ऑरेंज और मल्टी कलर में ऐसी है। और आपको मैं बता दूँ ये जो डिज़ाइन है ना ये भी बहुत बड़ी नहीं है, इसको आप दो दो भी पहन सकते हो पर मैं इसको भी एक ही एक पहनती हूँ और मुझे एक एक में बहुत अच्छी लगती है पैर में और ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है डिज़ाइन। तो आप लोगों को कौन सी डिज़ाइन अच्छी लग रही है आप बताना ज़रूर। और पता नहीं आपको सही से जा रही कि नहीं जा रही, फिर से मैं एक बार आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि अच्छे से आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि किस तरह से बिछिया लेनी चाहिए। बहुत लोग बहुत देसी टाइप की लेते हैं पर मैं कभी भी देसी डिज़ाइन नहीं लेती हूँ, मतलब वो एकदम प्योर चांदी वाली बिछिया नहीं लेती हूँ कि जो एकदम प्योर चांदी होती है। चलो थोड़ा सा झुनझुन झुनझुन वाली बिछिया दिखाते हैं। झुनझुन झुनझुन वाली की नई नवेली दुल्हन इसको इस टाइप की बिछिया पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और इस तरीके से ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें नीचे ना ऐसे मतलब घूंघा टाइप का लगा हुआ है, ये बहुत प्यारी लगती है। ये बिछिया का जो चांदी होता है ये बहुत अच्छी चांदी में नहीं होता ना यशा, ये कॉपर वाली होती है, ये कुछ कॉपर वाली होती है पर ये चांदी के रेट पे ही बिकती और खरीदी जाती है। ये सबको नहीं समझ में आएगी, जो बहुत लोग देसी चांदी खरीदते हैं वो उनको नहीं समझ आएगी, उनको ये थोड़ी सी कम समझ आएगी क्योंकि ये थोड़ी सी ब्लैक चांदी कहते हैं या कॉपर चांदी कहते हैं, कौन सी कहते हैं मुझे नहीं पता, पर डिज़ाइन बहुत प्यारी लगती, सच बता रही, बहुत ज़्यादा सुंदर है। करीब से आप देख लो, मैं बहुत करीब से आपको दिखा रही हूँ और ये भी पैर में बहुत अच्छी लगती। इसको आप तीन तीन भी कैरी कर सकते हैं, बहुत लोगों की जब नई नई शादी होती ना तो वो तीन तीन बिछिया पहनते हैं या वैसे भी पहनते हैं, भाई सुहाग क्या चीज़ है तो उसको पहना जा सकता है, तो उसमें पहनी जा सकती है क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं है। आप तीन तीन डाला चाहो अपने पैर पे तो आप डाल सकते हो। तो बहुत प्यारा कलेक्शन ये भी है, आपको आगे मैं दिखाती हूँ आपको। और अभी मैं एक ऐसी बिछिया दिखाने जा रही हूँ जो मैंने अभी तक कभी नहीं पहनी है, मतलब ला के रख लिया फिर मौका ही नहीं लगा पहनने का, तो उसमें ऐसे ही दो तीन बिछियाँ ऐसी हैं। ये बहुत बड़ी साइज़ में, चाहे आप इसको अंगूठे पे पहन लो चाहे आप जहाँ पे पहन लो। ये भी देखिए, आप लोग यही कहोगे सृष्टि दीदी आपने मल्टी कलर की बिछिया बहुत ज़्यादा रखी है, आप देखो ध्यान से कितनी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन यार, बहुत प्यारी डिज़ाइन है। और इस तरह से देखिए बारीकी से देखिए कितना ज़्यादा पंख पंख जैसा बना हुआ है, मोर जैसा बना हुआ है, इसकी शाइनिंग देखिएगा आप कितना ज़्यादा प्यारा है। बस एक बिछिया डालो और पूरे पैर का लुक एकदम बढ़िया सा आ जाता है, तो ये बहुत प्यारी लगती है। इसको अभी तक मैंने कभी नहीं पहना, मुझे बहुत प्यारी लगी थी तो मैं खरीद ली थी पर मैंने पहना नहीं अभी तक, बस शौक है ना खरीद लिया तो बस पहना नहीं तो पहना नहीं, बस बात खत्म। अब आगे चलते हैं। तो अब जो मैं बिछिया दिखाने जा रही हूँ ये मेरी मोहल्ले की एक भाभी थी, वो मुझे गिफ्ट मिली थी, है ना ईशा? कौन सी? ये वाली ना, ये मोहल्ले की एक भाभी थी, वो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी। आपको मैं बता दूँ ये ना ऐसे 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 वाली जो होती नहीं है ऐसे फंसाने वाली होती है, ये कौन से मतलब वो उसकी बिछिया होती मुझे नहीं पता, ये चार बिछिया है और ये मुझे गिफ्ट में मिली थी और बहुत प्यारी डिज़ाइन है। आप देखो तो ये ऐसे करके दबाने वाला है, बहुत प्यारा लगता है ये। इसको मैंने सोचा था कि मैं पहनूंगी मगर अभी तक कभी पहनी नहीं, पर मैं पहनूंगी जरूर इसको। ये मुझे लगता है ऊपर से सेट करने वाला था ना, ये दबा के ये जैसे नीचे से ऊपर की ओर सेट करने वाला नहीं होता है वो, इस तरह का बिछिया है। तो ये वाला अभी तक मैंने कभी नहीं पहना। अब मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं खुद ही थक गई हूँ। हाँ अब आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। देखो गोल चौकोर सारी डिज़ाइनें मेरे पास हैं। अब जो मैं डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ ये है इस तरह का, पूरा टोटल फ्लावर ही बना हुआ है और ये भी मल्टी कलर में। आप लोग कहोगे क्या सृष्टि दीदी कैसी आप खरीदते रहते हो, और आप देखना पास से, ये ऐसे करके पूरा फ्लावर ही बना हुआ है, चांदी का फ्लावर ही बना हुआ है। ये पैर पे छोटा ही डिज़ाइन है पर फ्लावर बना हुआ है, अच्छा लगता है देखने में। और अगर आप इस तरह से फ्लावर मल्टी कलर में भी लोगे ना तो अच्छा लगेगा, पूरा पूरा डिज़ाइन ही इस तरह से है, तो ये भी बहुत प्यारी लगती है। और अब इसको मैं एक दो बार पहनी हूँ पर उसके बाद से नहीं पहनी, फिर पता नहीं आप लोग कहोगे हर चीज़ खरीद खरीद रखा है पहनी नहीं। और ये डिज़ाइन मुझे कोई गिफ्ट में दिया था, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको मैंने कभी भी नहीं पहना
और क्योंकि मैं इस टाइप की डिज़ाइनें थोड़ी कम पहनती, थोड़ी लंबी वाली डिज़ाइनें मैं कम पहनती, मुझे गोल्ड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह के चार्ट, ऐसी ये वाली ऐसे डिज़ाइनें लंबी लंबी सी हैं, ये कई हैं हमारे पास, ये चार मतलब चार या हाँ चार या छः हैं इस टाइप की, छः हैं शायद ना, छः हैं। आप खुद को एक बार दिखाते हैं अच्छा इसका डिज़ाइन, इसका एक डिज़ाइन दिखाओ मुझे भी। ये देखो इस तरह का है, पर मैं आपको बता दूं ये रखी रखे आपको लग रहा होगा ये पहनी हुई है, पहने कभी भी नहीं है। और ये मेरी शादी के समय की बिछिया है, और उस समय पापा खरीदे थे या कैसे था मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है, मगर इसकी छः मतलब तीन इस एक पैर पे पहनने वाली थी, तीन एक पैर पे पहनने वाली थी, पर मैंने कभी पहना नहीं, मुझे लंबी लंबी डिज़ाइनें थोड़ी सी कम पसंद आती हैं बिछिया की, इसलिए मैंने कभी पहना नहीं। और ये तब से नई पड़ी हुई है, उसके बाद से मैंने नई नई बिछिया खरीदी, तो फिर वही नई नई पहनती हूँ। एक डिज़ाइन ये भी है, इसको भी मैंने कभी भी नहीं पहना, बहुत दिन से ऐसे खरीदी हुई रखी हुई है पर इसको पहना नहीं, मैंने नहीं खरीदा है, इस टाइप की डिज़ाइन मैं नहीं पहनती हूँ इसलिए मैंने नहीं खरीदा, या तो कोई दिया है या तो बहुत पहले की शादी उदी के समय की रखी, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर इस डिज़ाइन को भी मैंने कभी भी नहीं पहना। तो फाइनली हाँ एक इसका तो जोड़ा ही नहीं मिला, पता नहीं कहाँ, मैं तो आधी चीज़ें ना रख देती हूँ, इतने डिब्बे रहते हैं ना मेरे कि आधी चीज़ें मिलती ही नहीं है, किसी डिब्बे में चली गई होगी। एक डिज़ाइन वैसे ये भी है मेरे पास, आपको करीब गायब हो गया एक से, पर अभी यहीं कहीं होगा, वो मिल नहीं रहा है। और ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, छोटी है पर अच्छी लगती है और बहुत प्यारी लगती है, इसका एक पता नहीं कहाँ खो गया। तो फाइनली आपको मैंने कई डिज़ाइन दिखा दिया, आप लोगों को अपना बिछिया कलेक्शन दिखा दिया, अगर आप लोगों को ये कलेक्शन कैसा लग रहा है, आप कौन से नंबर की बिछिया सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, मेरे कलेक्शन कैसे लगे आप लोगों को जरूर बताइएगा, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और हमको और किस तरीके से कि किस तरीके का कलेक्शन रखना चाहिए बिछिया का, ये भी आप लोग आइडिया दे सकते हैं। अगर आप लोग सेकंड कोई मतलब सेकंड वीडियो अगर आप ज्वेलरी की देखना चाहते हैं, गोल्ड ज्वेलरी की, मतलब गोल्ड ज्वेलरी की मतलब क्या कि मैं चढ़ाओं में क्या पाई हूँ, किस टाइप की ज्वेलरी, किस टाइप का गोल्ड मुझे चढ़ा था मेरी शादी के समय, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, अब मैं सेकंड मतलब लेके आऊँगी। तो फाइनली गाइज अभी तक आपने इस ब्लॉग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।